पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के समाजसेवी मुन्ना सिंह ने जनसेतु न्यूज ब्यूरो हरिकेश कुमार तिवारी से खास बातचीत की। इनके बारे में बता दें कि इन्होंने लोकसभा का चुनाव 1999 का चुनाव लड़ चुके हैं, साथ ही 2015 का विधानसभा का चुनाव निर्दलीय चनपटिया विधानसभा से लड़े थे, जहां हार का सामना करना पड़ा था। इस बार 2020 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चनपटिया विधानसभा से लड़ने की बात बताई है। तो आइए सुनते हैं समाजसेवी मुन्ना की ही जुबानी, क्या कुछ उन्होंने कहा। नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार तिवारी, आज मैं पहुंचा हूं चनपटिया विधानसभा में। मेरे साथ है मुन्ना सिंह। इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा है और विधानसभा के भी चुनाव निर्दलीय लड़ा है। पुनः 2020 में यह निर्दलीय चुनाव चनपटिया विधानसभा से लड़ेंगे। तो आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, क्या होगा इनका एजेंडा और कैसे करेंगे विकास यदि चुनाव जीतते हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दे पे मैं मिलाता हूं मुन्ना सिंह से। मुन्ना सिंह जी, आपको पहले तो मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं और मुझे समय देने के लिए। आप चनपटिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा किए हैं, क्या होगा आपका एजेंडा इस बार? मेरा एजेंडा यही है कि अभी जो भी चल रहा है, ये मतलब कि जो भी परिवेश में हमारे यहाँ नेतृत्व करने के लिए जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों से अभी जो भी सिर्फ वादा ही वादा रहता है, 5 साल बाद जो घूमते हैं और 5 साल बाद फिर आते हैं। मैं शुरू से ही एक स्वतंत्र विचार का आदमी रहा हूँ। मैं आज तक किसी का भी सहायता निस्वार्थ करता हूँ और जो भी जनता मेरे पास आ जाती है उसका मेरे पास आने में जो भी खर्च लगे, लेकिन मुझसे मिल जाने के पास मैं उन लोगों से अपने गाड़ी में तेल भरवाता हूँ और नहीं मतलब कि उन लोगों से कोई खर्च। इस समय तो सबसे बड़ी बात है, ये जितने भी पार्टियाँ हैं सब किसी का अपना अपना मतलब कि पदाधिकारी है, जो कि पंचायत लेवल से लेके प्रखंड लेवल, जिला लेवल, सब तरह के ये लोग अपना अधिकारी चुनाव के समय ही दिखाते हैं। जब चुनाव बीत जाता है उसके बाद ये लोग कोई भी मतलब कि समस्या सुनने के लिए जो अधिकारी बनाए हैं उन लोगों को अधिकृत नहीं करते हैं। और समस्या यह है कि जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। मैं MP का भी चुनाव लड़ा, लोकसभा का, वो भी मैं निर्दलीय था। 2015 में मैं विधानसभा लड़ा, वो भी समय निर्दलीय था। आज पुनः मैं अपना मतलब घोषणा कर चुका हूँ कि मैं लड़ूंगा। कुछ पार्टी वाले भी आए थे टिकट के लिए, लेकिन हमको पार्टी पे भरोसा नहीं रहता है क्योंकि उन लोग का कुछ अलग एजेंडा, एक पार्टी एक तरफ नहीं है। मान लीजिए कि 4 आदमी हम हैं, अगर हम लोग का मतलब कि मन मिजाज नहीं मिला, मतलब कि हम लोग का ये विचारधारा जब नहीं मिला, तब हम अलग पार्टी बनाए, आप अलग पार्टी बनाए, वो अलग पार्टी बनाए। और आज क्या ऐसी बात है कि जिनका भी देखिए, जो कल कहते थे कि मैं इनसे नहीं पढ़ता है और आज उनका विचारधारा एक क्यों हो गया, ये मात्र एक कुर्सी है। आज समाज को जितना जोड़ तोड़ के तोड़ दिया गया है, आज गर्द में समझिए तो हमारा बिहार ही गया है सब। क्या आप चुनाव जो लड़ रहे हैं किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, एक मुद्दा हो तो कोई कहे, यहाँ तो मुद्दा नहीं मुद्दा है। सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ जितने भी मतलब कि गरीब तबके के लोग हैं, निसहाय हैं, वो लोग कभी भी अपने आप को ये नहीं समझ सकते हैं कि हमारे साथ कोई है या मेरी रक्षा के लिए, मेरी मदद के लिए। तो पहली तो ये प्राथमिकता है कि उन लोगों को हर संभव जो भी अगर दिक्कत हो, बीमारी हो, आज कोई गरीब 5,000 रुपये के बिना मर जा रहा है, ये जनप्रतिनिधि हैं वो तो हटा दीजिए, वो कहीं रहते हैं, जो अधिकारी बनाए हैं उनको अगर ये लोग अपना देते अधिकार
तुमको देखना है, तुम बताना, अगर कोई गरीब इस तरह हो तो हम उसका करेंगे समाधान। जी जी, चाहे तो वो अधिकारियों को भी ना पावर देते हैं ना ही लोग करता है। रहा सवाल कि कोई काम भी कोई करता है तो आप किसी को पकड़िए तो वो कहता है कि इसमें खर्चा लगेगा, तो खर्चा वाला देख के तो मेरा दिमाग ठनक जाता है। और इस तरह समझिए कि यार चीनी मिल बंद पड़ी है, कितने दिनों से हमने बहुत लोगों को देखा, अब तो मैं जब जीतूंगा तो मैं चीनी मिल का जिक्र आपने कर रहा है, आपने चीनी मिल के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन मैं ये चुनाव में 15 साल लालू की सरकार रही, 15 साल नीतीश की सरकार रही, सभी के चुनावी एजेंडे में चीनी मिल चलाना रहता है, लेकिन मैं उस पर न्यूज भी किया था, लेकिन उनके फाइलों से जब चुनाव बीतते ही गायब हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले आपसे कहा कि मैं वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे बदलाव करना है। अभी मैं जब जनता मुझे चुन के भेजेगी तो मैं सबसे पहले इसको ही करूंगा कि इसमें होना क्या चाहिए, चल सकता है या साफ मृत प्राय है। मैं ये तो वादा नहीं कर सकता, चलवा ही दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास रहेगा कि ये चले, और न भी चले तो अगर ये हो तो कोई मतलब कि दूसरा भी अगर कोई उद्योगपति मिले जो कि एक मिल का व्यवस्था करे, इसलिए कि यहाँ की समस्या अगर गन्ना यहाँ ही हो जाता, हमारे यहाँ के चनपटिया के जितने भी किसान हैं, गन्ना से बहुत अच्छा इन लोग का स्रोत था, वो खत्म हो गया, उसको हटाइए, जो होगा सो चीनी मिल का तो मतलब कि उसके बाद ही देखा जाएगा इसमें बात क्या है। जब उसमें घुसेंगे कुछ जनप्रतिनिधि का हमको अगर मिलेगा पावर तो उसको समझेंगे। हम एक ही चीज़ है कि हम कभी भी समाज के लिए हैं और समाज के लिए ही हम रहेंगे। और आप चुनाव जीत जाइएगा तो सबसे पहला कौन सा काम कीजिएगा? सबसे पहला काम तो कुछ सबसे समझिए कि है एक आध गो रोड है गांव में जाने वाला जो उनकी वहां के जनता त्रस्त है। जे आप विधायक जब हो जाए तो एक आध गो रोड क्या होता है आपको? तो अनेकों रोड है, लेकिन जहाँ जो 5 साल 10 साल से जहाँ की जनता कहते आई है और वो समझिए कि नहीं बन पाया है, तो वहां तो सबसे पहले कि उसको देखना है जो पहले से ज्यादा भूखा है, जो सबसे ज्यादा खराब है उसको ना हमको पहले देखना है। उसके बाद जो भी होगा समस्या, हमारे समय में कोई कोताही नहीं होगी किसी काम में। भ्रष्टाचार तो खैर वो अपना वो समझेगा, इसलिए कि हम तो खत न भ्रष्ट करते हैं ना भ्रष्टाचार सहते हैं। अभी इस तरह भी जनता हमारे आप जनता से पता कीजिएगा कि मुन्ना सिंह कैसे है तो वो अपने बता दें। 2021 के चुनाव में मुद्दा क्या रहेगी आपकी, क्या रहेगी मुद्दा? अरे मुद्दाएं तो मुद्दाएं हैं, अभी यहाँ रहेगी सबसे पहली कि चीनी मिल है उसका होगा करेगा। देखिए सबसे एक और बड़ी बात है, किसान जो समय खेती का आता है उस समय खाद वगैरह सब का किल्लत हो जाता है। जी जी, हर समस्या किसान से ही जुड़ा है। अगर किसान और मजदूर यही दो समस्या से जूझ रहा है। ये थे मुन्ना सिंह जो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, यदि ये चुनाव जीतते हैं तो किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, चीनी मिल को चलाने को बता रहे हैं, उस पर आंदोलन करेंगे, चीनी मिल को चलाएंगे, खुशहाल रहेंगे, युवाओं को रोजगार देने की बात कही। इन्हीं सभी बुंदों पर मैं पुनः इनसे पूछता हूँ, जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए जहाँ तक हो सकता है लघु कुटीर वगैरह लग जाए, या मानिए कि कोई बिजनेस वगैरह, मैंने जो जैसा होगा प्रयास मेरा रहेगा कि जो जिस कैटेगरी का है उसमें उसको कुछ न कुछ सहायता दे करके उसमें उसको लगाया जाए, ताकि वो अपने आप को कुछ मतलब कि अपना रोजगार पा सके, कुछ कमा सके और अपना भरण पोषण कर सके। ये तो मेरा रहेगा ही भी। ये थे मुन्ना सिंह जो लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, यदि चुनाव ये जीतते हैं तो लोगों को रोजगार बेरोजगारी को दूर करने का इन्होंने बीड़ा ठाना है। तो जाहिर सी बात है, देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले चुनाव में इनको जनता कितने सर आंखों पे रखती है और कितना वोट इनके लिए कर रही है। बेतिया से आदित्य कुमार शर्मा के साथ हरिकेश कुमार तिवारी, पश्चिम चंपारण, बिहार।